नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट आई में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी का सच। नमस्कार मैम। जी सर। क्या नाम है आपका? ममता। मैम कब से आ रहे हो आप डेरे के अंदर? लगभग होगी 18 साल। मैम कैसा माहौल देखा है आपने संत जी के यहाँ? बहुत खूबसूरत, बढ़िया। क्यों, हम बहुत गिरे हुए इंसान रहते, बहुत ही गरीब रहते थे। जो पिताजी करते वो कोई नहीं जाते, दुनिया में कोई नहीं कर सकते। कैसे कि कितनों खाला भी हो, कितनों घर मालिक ऐसे दूरदृष्टि दिखाती है जो भर जाते खाला भी। मैम आप कह रहे हो कि संत जी मतलब इतना अच्छा माहौल है वहाँ पर संत जी के यहाँ पर, तो मीडिया चैनलों पर इतना आखिर संत जी का नाम क्यों खराब किया जा रहा है? इसीलिए खराब कर कि जो संत गुरु राम रहीम जी इंसान है, इतनों संगत बढ़ा, इतनों संगत बढ़ेगा जो पता नहीं, इतनों कम 6-7 करोड़ संगत होगी, हद से ज़्यादा। क्यों, और जैसे जो डॉक्टर लोग बैठे हैं उन लोगों को रुपया कमाने हैं, उन लोगों को हो गई सब फैक्ट्री जे डॉक्टर की सब बिल्कुल। क्यों, संत गुरु राम रहीम सिंह जी इंसान है जो अपन फ्री में काम करवाते हैं, जैसे है दिसंबर के महीने में आँखें बनवाते हैं, गुर्दा दान होते हैं, और जैसे कोई गरीब है इंसान उन बताव से जो फ्री में होते उन लोगों को जलन पैदा हुए। क्यों कि जब जो फ्री में होते हम लोगों को रुपया पैसा कुछ आते नहीं है, अब उनसे इस वजह से उनने जेल में भिजवाया बुरे वैसे करके, मगर बिल्कुल निर्दोष से मुझे पता है, सब जनता भी पता है। मैम संत आप कह रहे हो कि संत जी ने मतलब इतने अच्छे कार्य किए हैं, मतलब इतनी अच्छी यहाँ पर मानवता भलाई की सेवा होती है, तो कुछ कार्य बता सकते हैं? बिल्कुल, ऐसे बार हो सकते हैं कि मानवता की भलाई की ऐसी करते कि हाँ कि झूठ झूठ मत बनना, कभी झूठ भी नहीं बोलना चाहते। और जैसे लड़कियाँ यहाँ पर दर पे आते, लड़कियाँ भी अगल्ला होते, बहनें अगल्ला आते, भाई लोग अगल्ला रहते, मगर क्यों उन लोगों की जो विश्वास जो लगे थे एक साथ रहते तो उन लोगों ने तो और दूर दूर की नहीं आई वो बंद कर, क्यों गुरु के ऊपर बिल्कुल झूठ आरोप लगाने लगे, क्यों भाई बहन एक साथ साथ रहने लगे तो जाके देखो ऐसी ना ऐसी अखबार उड़ा सकता है। इस वजह से पिताजी ने और से सत्यनाम सिंह जी भी ऐसे बताए थे कि हाँ एक दिन ऐसे आएंगे जो सच्चे कि डंका के ऊपर झूठा डंका जरूर कोई ना, क्यों जैसे राम जी हते थे तो राम जी के ऊपर आरोप लगाए गए थे 14 वर्ष के वनवास के कई माता ने भेजे थे, मगर क्यों भेजे थे जाकर भेजे थे कि जैसे हर चीज़ को उद्धार करने के लिए कौन आएगा, जब राम नहीं जाएंगे तो उद्धार कैसे हो जाएगी, इस वजह से। और सीता जी इतनी आती थी पवित्र, मगर मालूम हते राम थे हाँ मेरी पत्नी बहुत ही पानी जैसी है पवित्र, मगर उन्होंने जो राज सिंहासन पे बैठे थे उन्हें पता थे कि हाँ राज सिंहासन बैठे जो जनता बोल रही जे बिल्कुल वैसी है गंदी है, क्यों रावण के पास रही थी पंचवत बटिया पे इस वजह से, तो उनने जाके जो ठीक तो उन जनता की बात सोच के उनने सीता जी को वनवास में दे दी थी, अकेले ही गए थे तो भी विश्वास है उनकी, उनने अपने श्रद्धा विश्वास तो उनने रहे और दो बालक भी जन्माए थे लव और कुछ, और उनके आने के बाद भी तो उनने जब आए थे फिर अब धरती पे जब औरत की कतई बैलू नहीं होते बहने लोगों ने धरती पर रहनों बेकार, तब सीता माता ने धरती माता की अरदास करके तब धरती में गए, तब जाके ये क्या हुआ, तो भी जनता की सेवा जनता ने माफ़ी मांगे माता जी मुझे माफ़ कर दो, तो भी भगवान इतने लंबा होते इतने लंबा महत्व है जो माफ़ कर देते हर कि तुम क्या चीज़ है। संत गुरु मित्र राम रहीम सिंह ऐसे नहीं जाते, मालिक चाहे तो पल पे आ जाए, आप पहले बस मालिक है कहना कड़कड़ में है हर के अंदर है पेड़ पौधे में कहीं पे, अब हम बैठे आप बैठे सब बैठे आपके पास है मालिक देख रहे हर कि तुम कहा जानते कि मालिक ने हुआ पर कहीं पर पत्ता में हर कि तुम्हें यही तो पता है, मगर हर किसी को नहीं विश्वास होती है जब बोलते हैं मालिक जेल में है, मालिक जेल में, जेल में क्यों, जेल में जो पुराने पुराने सदस्य सब जो तरस रहे थे मालिक के दर्शन करने के लिए सड़ रहे थे कोई छुटा ही ना रहे थे, उन लोगों ने उद्धार करने के लिए मालिक है, मालिक चाहे तो पल पे छूट गया है, मगर मालिक की जब ही टाइम है तब हर कि तुम्हें कहो कि सिफारिश तो नहीं आएंगे मालिक। मैम आप कह रहे हो कि संत जी मतलब जो है बिल्कुल बेगुनाह है, बिल्कुल बेदाग हैं। मैम आज जो लड़कियां आती हैं डेरे के अंदर, पहले भी आती थी आप भी आते हो, तो क्या लगता है सुरक्षित है यहाँ पे? बिल्कुल सुरक्षित है 100%। मैम जो लड़कियों पे अत्याचार हो रहे हैं संत जी ने लड़कियों के लिए क्या किया?
अत्याचार हो रहे, तो संत जी ने ये किया है कि लड़की को अगल लगाते यहाँ पर, और जैसे डेरा पे आते हैं तो अगल अगल सिस्टम बताए, बहने एक आएंगी, हर चीज़ अलग अलग बताए। देखो हर चीज़ जैसे लेटरिन वगैरह है, जैसे हनाने धुआने घर हर बात किएगी, और फिर लॉकेट में इतना शक्ति है एक दूसरे गाय को आँखें नज़र ना मिला सकते, क्यों लॉकेट में इतनी शक्ति है परमात्मा मालिक की बहुत। एक जैसा छोटे है लड़की हो तो बहन जैसा, और बुजुर्ग हो तो माता जैसा, ऐसे मालिक ने ऐसे ऐसे अंदर से भर दिए, ऐसी सच्ची बात है, तो अपने आप ही ऑटोमेटिक सही दूध दूर हो जाते हैं। मैम लोगों को कहना है, आजकल लोग काफ़ी अफवाहें हैं कि संत जी एक किसी एक विशेष धर्म की शिक्षा देते हैं, क्या कहना चाहोगे? कैसी शिक्षा होता है? मतलब किसी एक विशेष धर्म की, कोई भी धर्म हो सकता है, वो उसकी शिक्षा देते हैं? सबकी शिक्षा देते, ऐसे कोई है ही नहीं धरती पर, पेड़ पौधा है और जो हर चीज पच्चे इनकी सबके अंदर, इनको शिक्षा तो मालिक देते। मालिक इतनी शिक्षा बढ़िया ना देते हो तो इतनी जनता क्यों झुकते, इतनी जनता क्यों, जनता थोड़ी है, जनता हो गई कम लगभग 7 करोड़ हो गई जनता। अब तो भी देखो पिताजी है नहीं दरबार पे, तो भी इतनी इतनी बात, जैसे पिताजी बताते हैं कि बड़ा नहीं बड़ा बड़ा कूरो ठके करे कुन्ना में, मालिक ने ऐसे ऐसे बात बात कही जो इतने अंदर सबकी भरेगी बढ़ारी, जैसे बढ़ार बढ़ार के सब बस 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 बरबर आए, पिताजी है नहीं तो भी दरबार पे, तो जनता जा देख ले दूर दूर रास्ते सब देख रहे, जो जलन पैदा हो जाते हैं कन से कैसे है इंसान है वो देख रहे कि पिताजी है नहीं तो भी ये लोग क्यों आती है, क्या मतलब है, क्या चीज़ देखिए। अब इन बारे में उनको तो पता है, जो सच्चे दिल से पुकार तो उन्हें पता है, जो दिल रोता है जब पिताजी की जन्मदिन मना कुछ भी मना जाते हैं, सब कोई हंसते है, कोई नाचते है, कोई कुछ, अब मेरा दिल करता मैं रो रो के आंसू बहते, पिताजी आप ना हो तो बिल्कुल सुनी लगते, जैसे हर की आप लोग हम लोग या मायके में जाते मायके भी समान मानते, क्यों जी पिताजी पिता माता घर मायके ही होते बच्चे की, तब तुम जाते हैं तो माता पिता नहीं होते तो कितना दुख लगते, इतनी दुख मुझे भी लगते, अब मुझे पता नहीं सब जनता भी ऐसी लगते हैं जो हमें लगते हैं, और हम जगह हे परमात्मा मालिक तू सबकी देखने वाला मालिक, मेरे बच्चन को और सतबुद्धि दे बढ़िया दे, जो आपकी चढ़ में हरदम जुटी कर रहे हैं, कभी किसी का दिन ना दुखाएं और आपकी नाम ना भूले जब तक जिए, सातों जन्म तक मालिक तू ही रहें, और तुए अलावा और मुझे किसी को दर पर नहीं जाना है, तेरी जैसी गुरु कहीं पर ना मिले। मैम सरकार से क्या अपील करोगी? सरकार से अपील करेगी कि सरकार जब से आई है मोदी सरकार, तो मोदी सरकार सब लोग जब बता रही मोदी सरकार आई तब से जे जेल में गई, अब ये तो पता ही जाने क्यों मोदी, एक बार हमने देखा था न्यूज में कि मोदी झाड़ू लेके और संत गुरु मित्र राम राम के साथ बढ़ा रही थी, और क्यों नामिदानी भी ले चुके थे। अब मुझे ये नहीं पता कि मोदी जी ने जेल में करवाया है कि अपने आप बुलावा उस लिए गया कि और सब लोग सड़ रहे थे मालिक की इंतजार में आँखों तरस, उस वजह से गया, इस वजह से मुझे तो पता नहीं। मैम क्या मांग करेंगे आप सरकार से? सरकार से ये मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी मेरे पिताजी को लौटा दे, मुझे देखना है, और दुख भर के जितने दुखी है इतनी साल से दुखी हूँ सब बारे मुझे अर्ज करना, मुझे खुशियाँ बख्शने, दुनिया सारी जनता झुक गई, अब अभी भी आए जब ही सरकार आए बोलने के मौका दे हमको कि बहन आप क्या चाहते हो क्या ना, मुझे जे चाहते मेरे पिताजी वापस आए, जैसे पहले तैसे आए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब संगत आए और स्वागत करे पिताजी, नई उम्र से फिर डंका बजे जो दुनिया में किसी को डंका ना बजे। चरित्र कैसा है संत जी का? बहुत खूबसूरत पवित्र, गंगा के पानी है तैसे, एक बार दिल्ली में गए थे तो पिताजी ने जैसे गंगा की कचड़ा पारी थी, अभिमान लगाए थे गंगा में कचड़ा पाए थे, तो सफाई करते ही करते पानी आएगा, मगर क्यों सफाई पवित्र है, आज दिन तो कभी नहीं पानी आता कचड़ा पाए थे, और कचड़ा जब उठाने के बाद तुरंत तो एकदम पानी आएगा, मगर पवित्र है तभी तो पानी आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जैसे कि आप देख सकते हैं लगातार लोगों का यही कहना है कि संत जी की समाज को ज़रूरत है, अगर समाज में संत जी नहीं आए तो गंदगी बढ़ती जाएगी, वेश्यावृत्ति हरामखोरी और जो भी लड़कियों पर अत्याचार हैं वो लगातार बढ़ते जाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।